बालक, ये महाशय कौन है? महाराज, ये महाशय मेरे पिताजी हैं। वैसे ज्यादा गंभीर बात नहीं है, बस थोड़े से भटक गए हैं। नहीं नहीं, थोड़े से नहीं, पूरे भटक गए हैं। इनके सर पे किसी के जान लेने का खून सवार है। क्या बात कर रहे हो बालक? अरे सही बात कर रहा हूँ। जब ये किसी को घर में आते हुए देखते हैं ना, या तो उनको काटने को दौड़ते हैं या फिर पीटने को दौड़ते हैं। महाराज ये सही कह रहे हैं। वैसे तो पता नहीं पापा बस काटने पीटने को दौड़ते हैं, पर न जाने क्यों आज उनके सर पे खून सवार है। राम घाट में आए रे, घोर के सतुआ खाए रे, टीप टाप तीली लीली झर्र, आज न बच पाएगो तू, भाग के कहाँ जाएगो तू, अपनो टैटुआ दबा के मर। ओ माय गॉड, महाराज आपको पता क्या हुआ था? आज कमलेश ना पूजा का सारा सामान लेकर आया ना, तो पापा को पता नहीं बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो उन्होंने इसकी बैंड बजा दी, मतलब मार मार के ना बेचारे का भूगोल ही बिगाड़ दिया। यस महाराज, इनको पूजा पाठ सामग्री से बड़ी दिक्कत है। जब ये किसी पंडित महाराज या ऐसा कोई व्यक्ति जो पूजा पाठ का सामान लेके घर में घुस रहा हो तो इनके अंदर की अग्नि की ज्वाला धधक उठती है और ये किसी की भी जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। प्रभु, इस घर में प्रवेश करना तो खतरे से खाली नहीं है, बचाओ प्रभु। महाराज कंबल में दंगल खेलेगो। दंगल मजा आ गया तो भाग गए। एक सेकेंड, ये तो भाग गए, लेकिन अगर दादी ने इनको फोन कर दे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? ओ नो, इसका मतलब अब फिर किसी को घर में छैनी महाराज बन के आना पड़ेगा। फादर, व्हाट वी डूइंग नाउ? वी इन ट्रबल। ठीक है परेशान ना हो, कछु सोचते हैं। ये महाराज काहे ना आ रहे हैं? रुको हम फोन करके देखते हैं। अरे अरे ठहर जा, तुम्हें अम्मा बिल्कुल हाथन में पंजीरी चाहिए। आ रहे होंगे ना, बाबा हैं, योगा चलते हुए टाइम लगते हुए 2 मिनट में आने वाले। धद्दे हो ना अम्मा फोन। अरे बाबा जी की जय हो। अरे बाबा जी जय हो। शैनी हथौड़ेश्वर की जय। सिट डाउन। अरे दादा महाराज जी आशीर्वाद दे। नहीं नहीं चाची। हमारे कहने का आशय यह है कि आप हमारी स्वर्गीय चाची श्री नुकीली देवी जी जैसी दिखती हैं, हम वैसा सम्मान करते हैं और हमें आपका आशीर्वाद लेना चाहिए। अरे रे रणबीर, ये जो बाबा हैं, उनकी शक्ल बिल्कुल बेनी अंकल जैसी दिख रही है ना, देख ना कान। हे, इतने बढ़िया शुभ मौके पे अशुभ लोगों की बातें काय कर रहा हूँ दादा? अरे आप वाह, अपने दोस्त के लाने ऐसा काय बोल रहा हूँ? अरे जा, बेनिया को भी बुला के ले। अरे अम्मा, घर में शांति को पाठ पढ़ाने हैं, जे बेनी खेनी को बुला के काय अशांति लानू चाह रही है? बाबा जी करेक्ट कही नाम ने। हपुआ ऐसा काय बोल रहा हूँ, आखिर तेरे दोस्त है गो। अरे दोस्त के नाम पे वो पनौती है गो। बाबा जी बहुत ही मतलब ऐसो लौंडा है वो, तुम समझ ही ना रही, इतने बढ़िया पाठ चलेगो, वो अपनो पाठ शुरू कर देगो। हाँ अम्मा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं अम्मा। वो कहे देखो अम्मा, बेनी आते ही ना घर में बिम्बलेश को राग अलापे, ठीक है? तो जो घर को जो पॉजिटिव जो माहौल है वो नेगेटिव सो ही जाए, अम्मा नकारात्मक सो। आप शुरू करो, वो आदमी नेगेटिव है। कहे बाबा जी हालत। क्या गलत है बाबा जी में? गलत बात है ये पुत्री, ऐसे किसी के प्रेम संबंध का मजाक उड़ाना। सास बेटी सुन लियो है, एक तो हमारी खोपड़िया फोड़ दी, ऊपर से ऐसी अपशगुनी बातें कर रही है पूजा से पहले। महाराज आप तो शुरू करो। चमची बेटा हाँ, जरा तू नजर रख, बेनिया जब भी आएगा ना बेनी चाचा बुला लियो। हाँ जी
अच्छा ठीक है दादी। ग्रैंडमदर, लेट्स स्टार्टिंग दिस गॉड सिलेबस क्विकली नाउ प्लीज। क्या? अरे दीदी के कहने का मतलब से कि अब पाठ शुरू करते हैं ना बाबा जी का, क्यों? हाउ हाउ, बहुत सही महाराज जी, शुरू करें। देखिए वत्स, ऐसा है कि आप ये जो पाठ कराना चाहती हैं, जिन व्यक्तियों के लिए आपको ये परेशानी हो रही है, पहले उन लोगों का नाम लीजिए, उनको हमारे सामने लाइए, हम उनको आशीर्वाद देके उनकी नजर उतारते हैं ताकि ये पाठ अच्छे तरीके से संपन्न किया जा सके। जी महाराज, सबसे पहले व्यक्ति तो आपके बगल में बैठे आएंगे, हमाऊ बेटा हपुआ। ये अशुद्ध व्यक्ति है। जी महाराज। और जे हपुआ की लुगाई राजेश। चाचा पुत्री, सर सर झुकाओ। झुका? आनंद परमानंद, मेरी बग्गी तेरा घोड़ा, बाबा अशांति भगाए, मार के छेनी पे हथौड़ा। इधर आओ बेटा, आशीर्वाद लो। सॉरी बोल रहे, तुम परम मित्र है हमारो। मेरी बग्गी तेरा घोड़ा, बाबा अशांति भगाए, मार के सर पे चेनी पे हथौड़ा। अरे दादा, तगड़ो आशीर्वाद दे दो बाबा आपने। महाराज अब पाठ आरंभ करो। हाँ पाठ आरंभ। नहीं नहीं नहीं, बस क्या है कि आज एक गलती से मिस्टेक हो गया, मतलब भूल चूक त्रुटि हो गई है, हमने पालचांग उल्टा पढ़ लिया है। आज माननीश्वरी देवी की व्रत पूजा है, आज के रात सोना अनिवार्य है, वरना माता रुष्ट हो जाएंगी और आप लोग कष्ट भोगते रहेंगे, इसीलिए आज आप सारे लोग सो जाएं, अच्छे से सोए, पूरी नींद, डेड स्लीप। लेकिन फिर पाठ कब होगो? कल, टुमारो। कल? लेकिन लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं, कुछ नहीं बस। आपने अगर चिन्नी देवी के व्रत का अपमान किया तो आपकी आजीवन निद्रा रानी उड़ जाएगी, आप चमगादड़ की तरह जागती रह जाएंगी, इसलिए हम आपसे घरे आज चुपचाप शांत होकर सो जाए। अम्मा। हाँ हाँ। बाबा जैसा बोल चुपचाप कर ले। कर लो, कर लो। जे बहुत ही ज्यादा पहुंच के लौटे भाई बाबा हैं। हाँ हाँ। अच्छा जैसा आप ठीक समझे। प्रणाम महाराज जी। या गो गो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। चमची आ जा, एक किते हमारे जो खोपड़िया में तेल लगा दे। जी। अरे साहब, थैंक यू साहब, थैंक यू, आप आ गई। अरे अप्पू, इसमें क्या थैंक यू, अम्मा जी आएंगी ना? नहीं बिल्कुल आएंगी साहब, आज वादों कर रहे, आज कौन गड़बड़ ना होगी। कहीं ऐसा ना हो कि पिछली रात की तरह वो लप्पड़ आंटी आए और मुझे लूट के भाग जाए। क्या है अप्पू, अब मेरे गाल और लप्पड़ नहीं सह सकते। सर हमारे पास इसका एक रामबाण इलाज है, आपको बता दूं, ये क्रीम है लपड़ो मॉर्फिक है, इसको लीजिए, इसको आप पहले गाल में लगा लीजिए, ठीक है ना, गाल आपके एकदम पहले से ही सुन्न पड़ जाएंगे, थप्पड़ों का लप्पड़ों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एहसास ही नहीं होगा सर। क्या बात है, यू आर जीनियस बेनी, यू आर जीनियस, क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू। साहब जी, जी साहब आप बिल्कुल चिंता ना करियो, हम बिल्कुल पास ही में, हम दो जने अलर्ट, बिल्कुल अलर्ट पास में आ छुपे हैं, जैसे ही आप टेंशन ना लीजिए, बस बस आप कैसे भी करके आज अम्मा से लप्पड़ खा लियो। बिल्कुल अप्पू, मैं काम करता हूँ, तुम्हारे गेट के बिल्कुल सामने यूं सेंटर में मैं खड़ा हो जाता हूँ। ओके ओके ओके, चलो चलो हम लोग चलते हैं। सुनिए सर, क्रीम लगा लीजिए, याद से। हाँ, बिल्कुल सुन्न हो जाता है, ठीक है ना। सुन्न। यार बहनी, वो सब तो ठीक है, लेकिन यार एक तोता तो पला ही गो ना ससुर, अबे तो बैठ के इंतजार करो ससुर जब तक अम्मा लपड़े आए ना, जिंदगी में बहुत रायते हैं। एक काम करो, रुको। अरे दादा, जो का है दो दो घूट मारते लियो। ये पागल है, कमिश्नर सामने खड़े हुए, हम ड्यूटी पे हैं, भले लुंगी में है तो क्या भाई, ड्यूटी पे तो है ना, अबे ना पी सकती।
अरे यार पेड़ की झाड़ में देख नहीं पाएंगे हम लोग को पीते हुए। अब आने दो, मारने दो थप्पड़। और वैसे भी हम लोग पियेंगे तो क्या महक यहाँ से मुंह से निकल के टहलते हुए जाएगी क्या उन तक? ले यार शुरू करो। ले आओ फिर। हाँ 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 गलो गीलू कर लें। मेरी ना मेरे पलके थोड़े से आराम चाहते हैं। कब आएगी अम्मा? आएंगे 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 तो मैं जगा दूंगा। साले दारूबाज, इनके पास तो क्या ही मिलेगा, खुद ही लूटे पड़े हैं। अरे वाह, शिकार खुद ही तैयार खड़ा है। अम्मा जी प्रणाम। प्रणाम गया घुइया के खेत में, माल निकाल। अरे अरे बेनी, अरे अप्पू, एक मिनट आंटी जी, एक मिनट। अरे बेनी, अबे अप्पू, अरे मैंने आंटी को पकड़ लिया, लपड़ भाई आंटी को, जल्दी आओ जल्दी आओ। साले तुझे मैं आंटी आंटी दिखती हूँ? सालो, ये अबे उठाओ, साले सो रहे हो, उठाओ जैन साहब। कब वो? अरे यार जो पेट के आए साहब। कहोगे साहब? अरे बिल्लिया का ब्याह हुआ, क्या हुआ ऐसी करियो? आपको गाल लाल काय है इतनो? अरे थप्पड़ खा खा के लाल हो गए हो। अरे मतलब जाकू मतलब अम्मा आई और आपको लपड़े आके चली भी गई, हमें पता ना चलो, हम तो लग आंख लग गई। वाह वाह भगवान, इसका मतलब चाची ठीक हो गए। मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू सर। हम आपको जो एहसान ज्यादा आपको जो एहसान हम जिंदगी भर ना भूलेंगे साहब। मैं भी तुम दोनों की लापरवाही कभी नहीं भूलूंगा। लापरवाही? अबे निकम्मो, आप कौन सी निगरानी रख रहे थे? गधे बेच के घोड़े बेच के सो रहे थे या लपड़बाज आंटी आके लपड़िया मार के भाग गई? जाकू मतलब अम्मा ने आपको नहीं लपड़िया? अरे नहीं इडियट। लेकिन सर एक बात तो है, मतलब वो क्रीम लगाने से फायदा हुआ ना, आपको थप्पड़ लपड़ खाने का एहसास नहीं हुआ ना गाल पे? है अपनी क्रीम अपने जेब में डाल दो और दोबारा ऐसी घटिया आइडिया मत देना। मतलब नहीं हुआ सर, सॉरी साहब, हमें ना पता, तो हम तो बड़े खुश थे कि अम्मा ने आपको लपड़िया, हमारा काम हो गो। खैर कोई बात नहीं, एक बार चल के तो देखे अम्मा आखिर काय नहीं उठी और अम्मा कर कर रही, एक बार प्लीज। आइए, सॉरी बोल रही, एक बार हमारे साथ चलो, हमारे लाने चलो क्रीम उठा लीजिए। उल्टो होगा वो। ये तो सो रही है। हम तो क्या यार खुदी पुत्र, तुम तो बोले थे कि चाची बाहर आ जाएंगी, ये तो सो रही है यहाँ। जी सही से कहाँ चल रही ड्रैकुला टाइप? कहीं इसमें अम्मा जी की बीमारी तो नहीं लग गई? ना साहब ऐसा ना कहो, नहीं तो हमें थप्पड़ मार मार के रोज गाल सो जा देगी, हमारा जीनू आराम कर देगी। रज्जो रज्जो, अरे दादा ओ एक सेकंड ठहर जाओ, इति आओ तुम सो रही कहाँ है, कहाँ हो रो है? अरे चुप रहो, नागिन डांस हो रहा हूँ। हम तो कहीं डांस कर रहे, नागिन मारो तुम लोग। बकवास ना करो, तुम सो रही थी?
हाय पापा, ये हमें तो नींद आ गई थी सर, वो हमारी आंख लग गई थी, हम सॉरी बोल रहे हैं। तो हम यही सॉरी बोलती रहती हूँ तुमसे, सही बताएं तो दो कौड़ी को काम नहीं होते हुए ककई थी कि अम्मा उठ जाएंगी आज, कमिश्नर साहब को हमारे साहब को लपड़ जाएंगी, अब ये तो सो रही हैं घोड़ा बेच के। हमें समझ में आ रहा तो सो रही, कैसे नींद आ रही है इन्हें, हाँ अम्मा उठ जाओ ना प्लीज, बोल रहे हैं। राजेश राजेश रहने दो उनको, सोने दो। मैं काम करता हूँ, आज रात को मैं यहीं रुक जाता हूँ और कल सवेरे जब अम्मा जी जागेंगी तो मैं उनसे लपड़ खा के चला जाऊँगा, ठीक है? ओके सर, आप कितने अच्छे हैं, आपको थैंक यू बोल रहे हैं। कछुली हो आप? नहीं, एक काम करो, एक चाय ले आओ गर्मा गर्म। तुम चाय बाद में लेगी, जो बता तुम काय चल रही थी नींद में ऐसे, अम्मा की बीमारी लग गई का तुम्हें? बीमारी ना भई है, ठीक है, हमें प्यास लगी थी, कमरा में पानी ना तो वही लेना आए थे। ऐसे चल रही तुम? चलो थैंक गॉड बीमारी नहीं लगी, पता चला यही जो है लपड़ मारती रहती सबको। अम्मा पे फोकस करो, अम्मा को उठाओ जगाओ, थप्पड़ खबाओ इन्हें सर को। लपड़ मारो अम्मा जी, अम्मा लपड़ मारो, अम्मा लपड़ मारो। अम्मा जी बताओ, चाय पी के इंसान जाग जाते हैं, जो चाय पी के सोए रही हैं। सर जी उठ जाओ, गुड मॉर्निंग बोल ले। हाँ ओ सर जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। अरे राधे, गुड मॉर्निंग जे चाय। थैंक यू फॉर स्विंग टी। का स्विंग टी? क्या है, जब कोई बेड पे टी ले आता है तो उसे बेड टी कहते हैं। मैं सुबह की पहली चाय झूले पे पी रहा हूँ, इसलिए झूला चाय, आई मीन स्विंग टी। थैंक यू सर। जे पहली ना है, 12 कप पी गए जे, आपकी 13वीं है। हमारा मतलब है कि तेरी भी चाय है आपकी। अरे बहू, सवेरे सवेरे चाय ना मिलेगी? अरे अरे बहू, जी कमिश्नर इतने का कर रहे हैं, लुगाई ने घर से निकाल दूंगा। अरे ना, गुड मॉर्निंग है अम्मा जी, गुड मॉर्निंग। हम तुम्हें बता रहे हैं अम्मा। अम्मा जी ऐसे इतने बैठे हैं। बस अम्मा जी आप जल्दी से अपने कर कमलों से मेरे गाल पर लपड़ रसीद कर दीजिए और आप ठीक हो जाइए। फालतू में है, हम कैसे मान ले कि हम ही सब लोगन को लपड़े आ रहे हैंगे? आओ आओ डॉक्टर साहब, आओ आओ। ये है अम्मा। अम्मा तुम कल इतनो सो रही थी, उठी तक ना, सो तो टेंशन हो गई हमें, हम डॉक्टर साहब को लुबा लिया स्वयं। खाम खाओ काय बुला, जिखा चल लो, हम तो जा रहे हैं सोने। हमारे कितने आठ तो कहाँ जा रही हूँ? अरे क्या कर रही है, खाम खा डॉक्टर को बुला दो, अरे हमारी सुई साई ठोक देगा और क्या करेगा। देखो जी हैं बच्चन जैसी हरकतें तो रुक जाओ। अरे अम्मा वो इंजेक्शन ना लगाएगा, वो सिर्फ चेक करेगा तुम्हें, तो खैर तो जाओ। हमें चेक करने दीजिए। करो 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 चेक करो, ये बच्चन जैसी हरकतें इनकी। अरे अम्मा जी आप हमको चेक करने दीजिए, बस दिखाइए अपना हाथ, दिखा दीजिए। पहले डर रही है, चल रही है। अरे वाह, हफू सिंह जी आपके लिए एक गुड न्यूज है। हाँ। है? अब जे उम्र में हम गुड न्यूज देंगे, बताओ पगलाए गए का सर आप? कैसे डॉक्टर हैं आप? जो कोनो उम्र है, गुड न्यूज की आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे गुड न्यूज का सिर्फ वही मतलब नहीं होता है जो आप लोग सोच रहे हैं। फिर गुड न्यूज का मतलब ये है अम्मा जी नींद में नहीं जगी हैं। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो कमिश्नर साहब को मारने का जुनून था ना इनके सर पर, हाँ, हाँ। वो अब उतर चुका है। ओह ये तो बहुत ग्रेट न्यूज है। ग्रेट न्यूज, हाँ सर, इसलिए तो आप सेफ हो गए ना। और अम्मा जी आप ना बिल्कुल ठीक हैं,
समझ नहीं आता। सास पीटे झोला छाप डॉक्टर, हम खराब कब हते जो हम ठीक हो गए। तू भाग इते से, नहीं तो हम तेरे नींबू निचोड़ देंगे। भाग इते से। हम जा रहे हैं ना, हम कब नहीं आएंगे तेरी इलाज करने। हम तुम्हें लव यू बोल रहे हैं सुना अम्मा, सॉरी बोल रहे हैं। वो हम जीवन में कबू मुंगरिया उठाई है नहीं, सौती से मारे ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई जरूरत ना है, तू एक सौती हमारे हाथ में भी धर देना। तुम हमें पीटी हो कब? ना ना, हम दोनों मिलके जे हपुआ की सुताई करेंगे। चाय पिला जा। चल अम्मा सुन, हप्पू कर बिल्कुल प्यारे। हप्पू हप्पू हप्पू, क्या कहूँ मैं तुम्हें, तुम्हारी वजह से मैं दो बार पिट चुका हूँ और अभी तक वो लपड़बाज आंटी पकड़ी नहीं गई। असल में साहब हम खुद इतनी शर्मिंद। एक सेकंड, मनोहर। अच्छा, अरे दादा तूने हमारी इज्जत बचा ली है, अबे मिल तू, हम तो को मिठाई खिलाएंगे। अबे रखो साहब, मनोहर को फोन है तू, बोलो लपड़बाज आंटी है ना, बाको दबोच लो जाने और पकड़ के महिला कारावास में डाल दो। क्या काम को आदमी है मनोहर, दर दबोचो ना। आई एम प्राउड ऑफ मनोहर। हाँ हप्पू सिंह, मुझे लगता है कि मनोहर में वो सारे गुण है जो एक काबिल दरोगा में होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारे हमें भी कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब आपको कहने को क्या मतलब है मनोहर? नहीं हम समझे नहीं, हम आज ऐसे गुण, मतलब नहीं मनोहर में है गुण, लेकिन ऐसे को मतलब जो नहीं है कि हम में कम है, हम दरोगा सा।